Hi guys, welcome to my channel, welcome to Shomi Chaudhary's channel and please, channel शुरू होने से पहले मैं एक बात बता दे रही हूँ आप लोगों को कि channel को subscribe कीजिए, subscribe करना मत भूलिए and like and share also, comments भी करना, ठीक है? मेरी channel को अगर आप थोड़े से भी पसंद आते तो please, like जरूर कीजिए, subscribe कीजिए, please subscribe बढ़ाओ, इतनी subscribe में क्यों कंजूसी है यारो, subscribe बढ़ाइए और मेरी notification आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए आज मैं एक चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है chia seeds। आप लोगों को पता ही होंगे chia seeds क्या है, ये है chia seeds। मैं कोई brand नहीं दिखाना चाहती हूँ, मैं brand नहीं दिखाना चाहती हूँ, देखिए यह है चिया सीड। चलो ठीक है, मैं जो ब्रांड यूज करती हूँ दिखाई देती हूँ आप लोगों से क्या छुपाना। देखिए मैं यूज करती हूँ मैजिक नट्स नेट्रोस ब्लैक चिया सीड्स। आप देख पा रहे हैं, अच्छे से देखिए चिया सीड्स। ये देखिए, एक सेकेंड ना, ये देखिए चिया सीड्स। आप देख पा रहे कि मैंने पता, एक सेकेंड फोकस, ये है चिया सीड्स। ये देखिए दोस्तों, देखिए एक सेकेंड, मैं एक बाउल में उतार के मैं बाउल में डाल के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक सेकेंड ना। चलिए स्टे ट्यून्ड, वेलकम अगेन। सी चिया सीड्स, ये है पैकेट चिया सीड्स। मैंने हालांकि मैं ऑफर चल रही थी तो मुझे बाय वन गेट वन मिल गया, मैं अमेजोन पे खरीदी। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं दे सकती हूँ लिंक, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को लिंक चाहिए कि नहीं, नहीं तो आप ऐसे ही अमेजोन पे जाके आप बाय कर सकते हो। ये चिया सीड्स एक मैजिक नट्स है, ये एक नट्स है, ठीक है, स्मॉल है, नट्स है। मैं क्या बताऊँ चिया सीड्स का, जितना मैं बताऊँगी उतना ही कम है चिया सीड्स के बारे में मैं जितना बताऊँगी, ठीक है। तो मैं यही बस बताना चाहती हूँ, मैं वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहती, बस मैं यही बताऊँगी। चिया सीड्स इज low in calorie, okay, high in fiber and this chia seeds has no artificial ingredients or color, okay। ये chia seeds जो मैंने buy किए ये raw chia seeds है, ना कि roasted है, okay। So guys please buy always raw chia seeds, okay, don't use powder or any type of chemical preservative chia seeds, use plain natural। Or you want my link, then I can give you my link in Amazon. Please comment me and tell me, okay? ठीक है, तो ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, डाइटिंग्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो डाइट्स कर रहे हैं आप लोगों को, जिनको किसी किसी को पता होगा कि डाइटिंग में चिया सीड्स खाना कितना हेल्पफुल होता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत क्लियर करता है, आपका गट्स बहुत मतलब ठंडी देती। आप इसे विंटर में थोड़ी सी ठंडी लग जाती है, जो कि हालांकि मैं अभी नहीं ट्राई कर रही, तो मैं सोच रही थी सॉरी गाइस, मैं सोच रही थी कि बहुत हेल्पफुल होते हैं ये डाइटिंग पीपल के लिए, बस बस इतना ही कर सकती हूँ मैं, ये डाइटिंग पीपल्स के लिए बहुत हेल्पफुल। एक मिनट मैं कैमरा थोड़ी सी एडजस्ट कर लेती हूँ, डाइटिंग पीपल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये आप देख सकते हैं ये FSSAI मार्क का है, फोकस नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं FSSAI फोकस क्यों नहीं हो रहा है, हाँ देखिए FSSAI देख पा रहे,
ये है मेरी चिया सीड्स का पैकेट, जो कि मुझे एक के साथ एक फ्री मिला। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, इसमें नो आर्टिफिशियल कलर है और ये डाइटिंग पीपल के लिए अच्छा है और ये शुगर पीपल के लिए बहुत अच्छा है। शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं इसे, थायराइड पेशेंट ले सकते हैं इसे, जो लोग मतलब घटाना चाहते हैं वजन को वो भी ले सकते हैं इसे। ये लेने का कोई मतलब रोक टोक नहीं है, सिर्फ लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट मदर्स आप इससे दूर रहे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सीड्स है ना, ये ठंडी तासीर के सीड्स है। ये जो सीड्स है ठंडी तासीर के सीड्स है, प्रेगनेंसी में कोई वेट लूज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, उसको वेट मेंटेन करना है, लूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि लूज करने से नहीं होगा लूज, बच्चे का भी तो एक वेट है ना, पेट में जो वाटर रहता है वाटर का भी एक वेट होता है और शरीर में वाटर भी चढ़ जाता है। ये बहुत अच्छा, ये न्यूट्रिशियस है, आपके गट्स को क्लियर लगता है, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है एंड आपको बूस्ट करता है, एनर्जी देता है। तो चलिए मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, चलिए दिखाते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, ये आप चलिए दिखाते हैं डायरेक्ट। तो चलिए गाइस बनाते हैं चिया सीड्स का ड्रिंक। ओके दोस्तों, ये देखिए मैंने चिया सीड्स को पहले ही भिगो के रख दिए थे, लगभग 25 मिनट्स तक ये भीग रहे हैं। ठीक है, आप चिया सीड्स को 20-30 मिनट्स के ज़्यादा भिगाइए मत, क्योंकि वो ख़राब हो जाने लगते हैं। ठीक है, वो ख़राब होने लग जाते हैं तो फिर आप 20-30 मिनट्स के अंदर अंदर आप पी लीजिए इसे, या फिर आप इसका पाउडर बना के आप केक, मफिन्स, ब्रेड्स, सैंडविचेस स्प्रिंकल्स कर सकते हैं, सलाद पे, मेयोनीज पे, चीज़ पे, आप जैसे भी चाहिए। ये बहुत हेल्दी है, बहुत यूज़फुल। देखिए मैंने ये भिगो के रख दिए थे, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। ये अभी साइड में, ठीक है, ये रहा मेरा पैकेट पहला लस्सी और ये रहा मेरा यूज्ड किया हुआ पैकेट जो कि मैं यूज्ड कर रही हूँ। ये देखिए, ये है चिया सीड्स, आप देखिए देखिए चिया सीड्स, चिया सीड्स, CHIA चिया सीड्स। ठीक है, आप मार्केट में कहीं कहीं मिल जाते। ये देखिए 1 स्पून मैंने चिया सीड्स के डाल दिए, ग्लास थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। 1 स्पून चिया सीड्स ही डालिए, क्योंकि मैं 1 पर्सन मतलब मैं मेरे लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने 1 स्पून ही यूज़ किया है। ठीक है, ये ज़िपलॉक बैग है इसीलिए रखने में हो जाते, इसीलिए रख पाती हूँ मैं। और इसमें मैं अभी यूज़ करूँगी नॉर्मल वाटर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर। ठीक है, ये देखिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, कोई वार्म वाटर नहीं, कोई कोल्ड वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर। ये देखिए 1 स्पून, आप इसको मिल्क शेक बना के पी सकते हैं, हाँ आप इसको स्मूदीज बना के पी सकते हैं, आप इसको फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का या फिर कुछ और में भी पी सकते हैं या फिर खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही बस इसको ऐसे आप मिला के आप इसमें 1 गिलास वाटर लीजिए
एंड इसमें चिया सीड्स ऐड कीजिए, जितना आप 2 स्कूप से ज़्यादा मत ऐड कीजिए ठीक है, क्योंकि 1 स्पून में बहुत इनफ हो जाता है। अब 2 स्कूप ऐड कीजिए, मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रही हूँ ठीक है। आप 2 स्कूप ऐड करके इसे पीजिए, मैं आप लोगों को पी के भी दिखाती हूँ। ये कुछ कुछ इसबगुल की तरह टेस्ट है, लेकिन इसके बीच में एक नट्स जैसी चीज़ आ जाती है, तो मैंने ये अभी भिगोए है और ये पहले से भिगो के रखे थे, तो मैं अभी ये आप लोगों को पी के मैं दिखाऊंगी। ये देखिए विश्वास हो गया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं थोड़ी सी 5-6 डेज पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उससे पहले मैं वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चिया सीड्स, अगर मेरी वीडियो को आप लोगों ने इतनी सी भी पसंद की है ना, लाइक ज़रूर करना और शेयरिंग बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी मेरी मतलब आपकी जो कंप्लेंट्स है मैं कोशिश करूँगी अपनी मतलब गलतियों को सुधारने के लिए। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। तो फिर मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रही हूँ, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। मैं वीडियो अपडेट करने मतलब कर दूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। चिया सीड्स इज हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। ओके, टाटा बाय। और हाँ, मैं एक जन से मिलाना चाहती हूँ, देखिए ये है मेरी मामा की बेटी, ये है मेरी मामा की बेटी, देखिए कल ही आई थी आज चली जाएगी। अभी टाइम हुए है कितना देख लीजिए आप, पौने 9 बजने वाले हैं, तो अभी इसके पापा आएगी और इसको लेके जाएगी ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, लव यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिए।